हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे, क्यों भारत के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं नुपुर शर्मा को, बचा रहे हैं जुबैर को जेल में डाल रहे हैं, बताइए देश के प्रधानमंत्री। आपने तो इमरजेंसी को खंडन किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ये क्या हो रहा है हमारे देश में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भाजपा के लोग ओवैसी पर बड़ी बड़ी तनकीद करते, गरीबों के घर पर बुलडोजर ले जाकर तोड़ते। अरे भाजपा वालों सुनो मेरी बात को, अगर तुमने इतनी हिम्मत है तो चलो उस लद्दाख की सरजमीन पर जहां पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है, लेके जाओ बुलडोजर, वहां पर मैं भी तुम्हारे साथ चलने तैयार हूं। चीन को उखाड़ कर फेंको, जो 1000 भारत की स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है, 2 साल से चीन कब्जा करके बैठा है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन की बात नहीं करते, चीन का नाम लेने से डरते हैं। आज अखबार में आया कि चीन अपनी फौज जहां पर हमारी जमीन है वहां पर एयरपोर्ट बना रही है, वहां पर फौज को मजबूत कर रही है। भाजपा वालों कभी चीन की भी तो बात कर लो, तुमको मुझसे बड़ी मोहब्बत है मैं जानता हूं, मगर इतनी मोहब्बत देश से भी तो करो, चीन के खिलाफ बोलो। मगर चीन के खिलाफ बोलने से कतराते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बेहद शुक्रिया कि आज आप घायल हल होने वाले नहीं हैं। आप देखते हैं कि दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि जुबैर कहाँ है बताओ, हमको ये तलाश मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आए होगी। जुबैर उसको भी तनकीद करता है, आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर ली है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार जो जेल में मासूम लोग हैं चाहे किसी मजहब के हों, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों